काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे बिल वाइज एंट्री में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंतर्गत आने वाले एडवांस और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने आपको क्रमशः बिल वाइज एंट्री और उसके अंतर्गत आने वाली एडजस्टमेंट की चार मेथड्स में से एक मेथड न्यू रेफरेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको दो अन्य मेथड्स एडवांस तथा अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में बताएंगे। आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा हो इसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF भी दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 मई 2021 को हमारा एक कस्टमर आजाद टीवी आया और बोला कि मुझे आपके 3 बिल का पेमेंट करना है। उनमें से एक बिल 75,000 रुपए का है, अभी मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ। हमने रिसीट वाउचर ओपन किया, डेट चेंज की, पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, अमाउंट टाइप किया और एंटर प्रेस किया। ये देखिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के चारों ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर हम आपको याद दिला दें कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम कोई भी परचेज या सेल करते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय प्रायः न्यू रेफरेंस का उपयोग करते हैं। उसी तरह जब हम उसका पेमेंट करते हैं या हमें कस्टमर से पेमेंट प्राप्त होता है, यानी जब हम पेमेंट वाउचर या रिसीट वाउचर बनाते हैं, तो प्रायः अगेंस्ट रेफरेंस का उपयोग होता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पेमेंट वाउचर या रिसीट वाउचर बनाते समय बाय डिफॉल्ट अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट ही रहता है। हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही हमें उस कस्टमर से जितने भी बिल का जो भी अमाउंट लेना बाकी है वो दिखाई पड़ रहा है। हम इनमें से 75,000 वाले बिल पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। डेबिट में हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं और अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए अब पेमेंट वाउचर का भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम अपने सप्लायर राज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर ओपन करके देख लेते हैं कि उसे हमें कितना रुपया देना है। ये देखिए, हमें 3 बिल का पेमेंट करना है। यहाँ हमने मन बनाया कि हम 21,000 वाले एक बिल का तो पूरा पेमेंट कर देते हैं और 63,000 वाले बिल में से 13,000 दे देंगे, तो ये बिल राउंड फिगर में देना रहेगा। तो इस तरह हम उन्हें अभी 34,000 दे देते हैं। हम एस्केप की प्रेस करते हुए इस स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। अब आइए पेमेंट वाउचर ओपन करके इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम अमाउंट टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही पेंडिंग बिल्स की एक लिस्ट आ रही है। हम इसमें से पहले 21,000 वाले बिल पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए अगली लाइन में आ गए हैं। अब यहाँ फिर से अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, फिर से पेंडिंग बिल्स की लिस्ट आ रही है। इसमें से हमें वो बिल सिलेक्ट करना है जिसमें हम 13,000 एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये हम 63,000 वाले बिल पर जाकर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। और चलिए अब हम समझ लेते हैं एडजस्टमेंट की एडवांस मेथड के बारे में। 31 मई 2021 को ही हमारे पास एक नया कस्टमर भारत एंटरप्राइजेज आया और उसने कहा कि मुझे सोनी टीवी 20 इंचेस का एक नग चाहिए। मैं अभी आपको 10,000 रुपए एडवांस दे देता हूँ, आप मुझे टीवी भिजवा दीजिए, 2-4 दिन में आकर बाकी का पेमेंट कर दूंगा। तो आइए उसकी 10,000 रुपए की रिसीट बना देते हैं।
सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे। यहां हम ऑल्टर और सी प्रेस करके कस्टमर का लेजर बना लेते हैं। अब क्रेडिट में अमाउंट 10,000 रुपीज टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट की चारों मेथड्स दिखाई पड़ रही हैं। इनमें से हम एडवांस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। नेम में हम जो वाउचर बना रहे हैं उसी का नंबर दिखाई पड़ रहा है, पर यहाँ हम पहले की तरह वाउचर नंबर का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ हमें एडवांस प्राप्त हुआ है, उसकी अलग पहचान के लिए हम एडवांस लिखकर पार्टी का नाम भारत एंटरप्राइजेस टाइप कर रहे हैं। ड्यू डेट का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमें पार्टी से कुछ लेना नहीं है, ये तो एडवांस है। हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कैश सिलेक्ट करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम आज ही कस्टमर को टीवी भेज रहे हैं, उसके लिए हमें एडवांस को एडजस्ट करते हुए सेल बिल बनाना होगा। यहाँ पर हम आज की डेट टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टी का नाम, यहाँ सेल्स अकाउंट और यहाँ आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एडजस्टमेंट की चारों मेथड्स दिखाई पड़ रही हैं। अब चूंकि हमें एडवांस प्राप्त हो चुका है और पहले हम रिसीट वाउचर में उसके एडवांस का रेफरेंस दे चुके हैं, इसलिए हमें न्यू रेफरेंस की जगह अगेंस्ट रेफरेंस पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। ये देखिए ऐसा करते ही हमें वो रेफरेंस दिखाई पड़ रहा है जो हमने एडवांस का रिसीट वाउचर बनाते समय दिया था। हम उस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अमाउंट में हमें एडवांस का अमाउंट टाइप करना होगा जो कि अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। ये देखिए एडवांस अमाउंट दिखाई दे रहा है। हम वापस एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ अमाउंट में 10,000 टाइप कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, वापस एडजस्टमेंट की चारों मेथड्स दिखाई पड़ रही हैं और अमाउंट में टीवी का बचा हुआ अमाउंट दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें बिल के बचे हुए अमाउंट के लिए एक नया रेफरेंस बनाना होगा। अभी न्यू रेफरेंस सिलेक्टेड है तो हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए न्यू रेफरेंस में वही नंबर आ रहा है जो हमारे सेल बिल का है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया बिल वाइज एंट्री में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंतर्गत एडवांस और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बिल वाइज एंट्री से संबंधित आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे।